हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया वो देख लेते हैं, कब बना ये टाउन और उसके अलावा किसके लिए बनाया था। देखोगे आप जो भानगढ़ का जो टाउन है, इसके बेसिकली जो आमेर के शासक हुआ करते थे भगवंत दास, उन्होंने 16वीं शताब्दी एग्जैक्ट 1573 ईयर के अंदर बनाया था। जो बेसिकली देखो, जो भगवंत दास, उनके दो बेटे थे, एक तो थे उनके माधो सिंह और दूसरे थे मान सिंह। तो देखो इसमें जो बेसिकली माधो सिंह की रियासत की राजधानी के तौर पर बनाया गया था। अब अगर आप देखोगे तो मुगल एम्परर अकबर था 1556-1605, उसके बीच में जो नौ रत्न थे उसके अकबर के, उनमें से माधो सिंह दीवान के पद पर कार्यरत थे 1556 से लग के 1605, यानी कि लगभग अकबर का कार्यकाल के अंदर ये हम कह सकते हैं बनाया गया था। और यहाँ पे अगर मुख्य अवशेष जो है रिमेंट्स, उन प्राचीर देखना आप, जो दीवार जो साइड में प्राचीर मतलब दीवार होता है, द्वार जो एंट्रेंस अपन ने देखा, उसके अलावा बाजार, हवेलियाँ, मंदिर अपन ने देखे हैं दो तीन, अभी सोमनाथ टेम्पल और इसके अलावा दो उधर साइड में भी हैं, और इसके अलावा छत्रिया, मकबरा, शाही महल अभी ये है ही। मुख्य मंदिरों में गोपीनाथ मंदिर वो था उधर, सोमेश्वर अपन ने देखा है, नागर सलीम, अच्छे सारे के सारे जो मंदिर हैं नागर सलीम बने हैं, जो कि साउथ में आपको ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ पे नॉर्थ में तो नहीं मिलते हैं। शाही महल 7 मंजिला माना जाता है, 7 मंजिला महल था लेकिन अभी 4 मंजिले इसे है। और इसके 5 द्वार है जिनके अगर नाम है अजमेरी, लाहौरी, हनुमान, फूलबाड़ी और दिल्ली द्वार। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब इसके बारे में। तो ये छोटा सा मतलब वीडियो जो कि एक लगभग 200 साल के आसपास यहाँ पे टाउन में लोग मतलब रहते थे, 1773 में इसका पतन हो गया था। तो ये वीडियो सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का है।